ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन है। आपको भी हमने कैप्चर किया है, कैप्चर। यार ये आवाज क्यों करता है समुद्र इतना? व्हाई? एक चीज यहाँ पर पूरा जो एनवायरनमेंट है पूरा साल्टी है, ऐसे पूरे मेरे को नाक और मुंह में ऐसे ना खारा खारा सा महसूस हो रहा कि नमक जैसा हो गया। शुरू में जब मैं इधर इस लोकेशन में घुसा था, मतलब समुद्र के नज़दीक, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार तो ऐसा लगा सांस भी ऐसे मुश्किल से आ रही है, लेकिन थोड़े टाइम बाद सेट हो जाता है। और ये मेरा रियली में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं समुद्र देख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली अमेजिंग। बंदा खड़ा होकर के यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे भी खड़ा है। ये सब जो अंदर से कुछ चीज़ें जो इनके काम की है उनको कलेक्ट करते हैं। सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं, और जो यहाँ पे फिशिंग के लिए जो बोट्स है सभी अभी तक खड़े हैं। एक दो बोट्स आगे लेके आए हैं, ये शायद अंदर जाएंगे। खास बात यहाँ पर इसी समुद्र के पास में जो ये मिट्टी है इसमें लोग यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, और शायद ये जो पानी थोड़ा सा इकट्ठा करके यहाँ पे फुटबॉल वगैरह भी खेलते हैं। रियली में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ लोग पीछे क्रिकेट खेल रहे हैं, अमेजिंग। क्रिकेट का पी चिदम्बरम स्टेडियम भी थी मेरीना बीच पर है, वो शायद मेरे जो पीछे दिख रहा है वाइट कलर वाला। और यहाँ पर आपको शायद पैरासेलिंग और हॉर्स राइडिंग भी मिल जाती है अगर आप करना चाहते हैं तो। ये है पी चिदम्बरम स्टेडियम। दीपक पीछे है, अभी आ गया, यहाँ पर फ़ोन पे बात कर रहा है, काफ़ी लंबे समय से बात कर रहा है। अगर ये वीडियो शीतल मैम देखेगी तो डेफिनेटली वो ही कन्फर्म कर पाएगी कि किससे बात कर रहे हैं ये। थैंक यू। ये पता नहीं कुछ लेके आए हैं, व्हाट इज़ इट मैन? अच्छा, इन्होंने ये समुद्र से कलेक्ट किया है, फाइन, हम अपने साथ रखेंगे ये। वाह, नाइस, थैंक यू दीपक। यहाँ दीपक बताइए, आपका तो लंबा एक्सपीरियंस रहा होगा बीच पे घूमने का। ये मेरा, मैं गोवा बीच घूम चुका, मरीना बीच घूम चुका हूँ। अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं यहाँ से। अच्छा, घूमने में बड़ा मजा आता है। कोई डिफरेंस होता है हर बीच का? जैसे यहाँ पर हम चेन्नई में हैं और कल्चर अलग अलग है, बस कल्चर का ही फर्क है, बाकी वेदर और जो ये क्लाइमेट है सेम मिलेगा। ओके, नाइस, थैंक यू। जब मैं यहाँ आने वाला था, मतलब नज़दीक था, तो मैं रियली आई वॉज सो एक्साइटेड कि जल्दी से पहुँचूँ और इस बीच को देखूँ। रियली जैसे जैसे मैं इसके नज़दीक आ रहा था, मैं बार बार गूगल मैप को देख रहा था कि मैं एक्चुअली, मैं जो इंडिया का मैप है वहाँ पर कहाँ पर हूँ मैं। और जब मेरे को वो जो ब्लू टिक दिखता है ना, जहाँ पर आपकी करंट लोकेशन दिखाता है, वो बिल्कुल ऐसे समुद्र के किनारे पर नज़र आ रही थी। मतलब मैप में जब आप देख रहे हो प्रेजेंट लोकेशन, तो बिल्कुल वो ब्लूटूथ एकदम समुद्र के किनारे नजर आ रहा था। मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि रियली मैं ये समुद्र के इतना नजदीक हूँ। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम समुद्र देखने का एक्सपीरियंस रियली अमेजिंग है। और एक इंसिडेंट और शेयर करना चाहूंगा, हुआ ऐसे कि हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे मैं और दीपक, तो हमारे मन में एक वो रहता है कि यहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते, तो हमने ऑब्वियसली इंग्लिश में उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। और हुआ ऐसे कि मैं उससे इंग्लिश में पूछ रहा हूँ और वो भाई साहब हिंदी में बिल्कुल ऐसे फ्लुएंटली हिंदी में बात कर रहे हैं। दीपक मेरे को बोल रहा है, यार तू कर क्या रहा है? मैंने कहा, यार पूछ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो बोला, यार वो हिंदी में बात कर रहा है, तू इंग्लिश में क्यों कर रहा है? तो ऐसा होता है क्योंकि मैंने मेंटेलिटी अपनी माइंड सेट कर लिया था कि ये लोग हिंदी नहीं जानते, तो ऐसा करके फिर मैंने उनसे फिर से हिंदी में बात शुरू किया। तो ये भी मेरा रियली में एक एक्सपीरियंस था कि मैं जस्ट आई वॉज जस्ट फोकस ऑन कंटेंट की वॉट इज माई सब्जेक्ट एंड वॉट वॉट आई एम सपोज टू आस्क हिम। यहाँ पे कुछ सिप्पी नजर आ रहे हैं, थोड़ा दूर है, अब मुझे नहीं पता वो ट्रांसपोर्टर है या फिर जो लाइफ सेविंग के लिए कुछ होता होगा वो है, आई डोंट नो। कभी कभी सोचता हूँ कि ये समुद्र जो बाहर अपना प्रेशर रखता है
अगर उतना ही प्रेशर वो अंदर की तरफ रखता तो क्या होता रियली में, वो एक बड़ा खतरा हो जाता हमारे लिए या फिर जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं या जो घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए। बट ये प्रकृति है, सब कुछ सोच समझ के ऊपर वाले ने बनाई है। ये वेस्ट है जो समुद्र अपने आप से बाहर फेंकता है, जो वो बाहर की तरफ पानी प्रेशर से फेंकता है तो उसके साथ ये गंदगी निकल आती है। नारियल बहुत है यहाँ पे। ये सारे होटल सी साइड्स पर है, आई थिंक दीज आर एक्सपेंसिव राइट। ऐसा बना ले भाई कुछ तू तो। बजरी बजरी वाओ नाइस। किसका कितना लेते हैं मेरे भाई? 10 सूट 50 सूट। ये जीत लो। अच्छा ये तो बेच रहे हैं, खड़े मोबाइल ले लो। एसी आइटम्स शॉप स्टाफ इज कॉन्च आयर मेरीना बीच का पीस मार्केट। अभी ये जो बोटमैन है फिशिंग के लिए जो लोग जाने वाले हैं वो तैयारियों पे है, थोड़ी देर में ये लोग समुद्र में उतर जाएंगे। यहाँ पर मेरे को एक आर्ट बहुत पसंद आ रही है जो इन होटल्स पे यहाँ इस साइड में की हुई है, बिकॉज आई एम आर्ट लवर एंड आई एम ऑल्सो ए स्मॉल बट एन आर्टिस्ट, सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। क्या वाओ फिश है, बोट आ गया। अच्छा ये ट्रैक्टर है वो खींचता है इनको, बोट को बाहर निकालने काम आता है ट्रैक्टर। देखो कौवे कितनी मछलियां खा रहे हैं यहाँ पे, मरी हुई सड़ी गली मछलियां। अरे भाई टू मच बैड स्मेल फॉर मी, सुखा रहे हैं यहाँ पे मछलियां पूरे सी फूड से। ओ माय गॉड इतनी पूरी स्मेल। ये देखो किस टाइप की मछलियां हैं, किस मार्केट। किस टाइप का जामुन है भाई?